आज हम बात करेंगे एक बुक जो हमारी फेवरेट बुक कलेक्शन का भी पार्ट है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बुक में बताते हैं, अगर हम सही तरीके से प्रेयर करेंगे तो हमारी प्रेयर्स हमेशा काम करेंगी। पर अक्सर सबकी प्रेयर्स क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग पूरे दिल दिमाग के साथ एक चीज पर फोकस नहीं करते और जो सही टेक्निक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते। आपकी प्रेयर्स आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती हैं। आपकी प्रेयर्स आपके मेंटल पिक्चर और मेंटल थॉट को रिस्पॉन्ड करती हैं। आपकी इच्छा एक प्रेयर है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपकी लाइफ में मैजिक होगा, और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकता है अगर हम ये समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है जितना आप सपने में भी सोच नहीं सकते। क्या आपके मन में कभी सवाल आए हैं, क्यों कोई इंसान सक्सेसफुल होता है और क्यों कोई अनसक्सेसफुल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की हेल्थ अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो हमें इमीडिएटली ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को डिटेल में समझते हैं। द ट्रेजर हाउस विद इन यू, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है, आपको बस अपनी आंखों को खोलकर देखना है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी आयरन रॉड को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वेट से 10 गुना ज्यादा वेट को उठा सकती है, और अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ले तो वो इतना वेट नहीं उठा सकती। ऐसे ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। और इस सब प्रॉब्लम का जवाब है आपके अंदर बसे शक्तिशाली सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल में दिमाग में बैठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है। आपका सवाल सही है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अनकॉन्शियस दिमाग है जो आपकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट्स, ब्लड सर्कुलेशन और सभी अनकॉन्शियस एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन में ठान ली गई इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो। वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना भी। तो अगर आप इस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की टेक्निक को समझ गए तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज सुनो। मन की आवाज का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना फ्रेंड बना लो और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, जो भी चाहे बन जाओ। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग ये इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सक्सेसफुल कैसे बन गए? अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने में मास्टर बन जाएंगे। इमेजिन कीजिए, जो भी आप एक पेपर पर लिखोगे वो काम आप आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से पूरा कर सकते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल एग्जाम को भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम ब्रेन को समझने के लिए उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अचानक से किए गए एक्शंस, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। और यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 100%। और जो पढ़ाई में और करियर में कमजोर होते हैं, वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जो होता है 10%। इसलिए वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हाउ योर माइंड वर्क्स, आपका माइंड कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 senses से इन्फॉर्मेशन लेता है और उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके डिसीजन लेता है, पर सबकॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता।
वो बस कॉन्शियस माइंड के पास्ट बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस और हैबिट्स को फॉलो करके एक्ट करता है। द पावर ऑफ सजेशन। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव होता है अगर उसे सजेशन दिया जाए तो। आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह समझ सकते हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत इन्फॉर्मेशन को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कॉम्पिटिशन था। वो स्टेज पर जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी थी, तो उसने पॉजिटिव अफर्मेशन की मदद ली और कहा, आई एम द बेस्ट सिंगर और मैं स्टेज पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका रिजल्ट ये रहा कि उस औरत को कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं करता और उसके पास सभी क्वेश्चंस का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, मतलब आप जो डेली सोचते हो, उसका न्यूरल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस को बताने जा रहे हैं जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरैक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ परफेक्टली यूज करना सीख लें तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सक्सेसफुल होना है, उस काम में आपको टाइम और एफर्ट दोनों देना पड़ेगा। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। हमारी लाइफ में दो टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक इनर वर्ल्ड और एक आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड हम उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ और। हम सबने ये नोटिस किया होगा कि कोई भी नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है इनर वर्ल्ड। और दूसरा होता है आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड आपके फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल से आता है। बहुत से लोग आउटर वर्ल्ड को देखकर रिएक्ट करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है और बहुत कुछ। जो लोग अपने इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग सातवें आसमान पर होते हैं, अपनी लाइफ के किंग होते हैं। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। बट वेट, क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, वो 24 घंटे सातों दिन आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़क कर आपको जिंदा रखता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारी आत्मा समझ सकती है। ये टाइम और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। ये आपके सभी दुख और दर्द अभी खत्म कर सकता है, इसी वक्त। हम यहाँ आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। हम सब ने लोगों को हिप्नोटाइज करने के बारे में जरूर सुना होगा और जो एक्सपर्ट होते हैं वो कैसे किसी को भी इजिली हिप्नोटाइज कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं, एक्सपर्ट्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। यही हम यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं, टेडेक्स हिप्नोटिज्म, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक्सपर्ट्स इजीली किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल सकते हैं और उनको कंट्रोल करके स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट्स फेल हो गए और फिर भी ये मिरेकल पॉसिबल हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी और सभी डॉक्टर्स ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि ये अब ठीक नहीं हो सकते और कई डॉक्टर्स का ये मानना था कि अब ये कुछ ही दिन जिंदा बचेंगे। लेकिन उस आदमी ने एक मजबूत विश्वास के साथ अपने मन में ठान लिया कि वो क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाएंगे। उस आदमी ने किसी की भी बात को नहीं माना और वो दिन रात बस एक थॉट को अपने माइंड में कहता रहा। वो इमेजिनेशन में खुद को देखता था कि वो कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। उस आदमी ने कॉन्टिन्यूसली 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने माइंड में रखा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी पॉजिटिव थॉट्स और उसका पॉजिटिव विजन क्लियर था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद के पैरों पर चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 8 महीने में अपने पैरों पर चला। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर।
और अगर आप ये स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। इस कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि कैसे आप भी एक थॉट पर फोकस करके अपने ब्रेन की जादुई पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आप कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक मनचाहा मैसेज सेंड कर सकते हैं जिससे आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। आपने सुना ही होगा कि कोई भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और अगर हम वो जान ले तो हम भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के ब्रेन्स को हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस मैजिकल सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद, क्या आप एग्जैक्ट जानते हैं कि हमारे ब्रेन के साथ ऐसा क्या होता है जिससे मैसेज डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस लेवल में चला जाता है? जब आप सोने के लिए जाते हैं तभी के लास्ट 5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन लास्ट 5 मिनट में आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है और दिन के समय ये सिर्फ 75% एक्टिव होता है। इसलिए हमें अपना ब्रेन सिर्फ लास्ट 5 मिनट में प्रोग्राम करना है जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना मैसेज एक कागज़ पर लिख लें और फिर उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें, और ये करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए। जैसे ही आप अपना फ़ोन रिपीट मोड में डालें तो आपको फ़ोन साइड में रखकर 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी होगी जिससे आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाए तो आप अपने ईयरफोन से आपका रिकॉर्डेड मैसेज सुनना शुरू करें और पूरा रिलैक्स फील करें। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको आपके मैसेज को डीपली विजुलाइज करना है, और ये तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और अगले दिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैसेज आपने कल रात को 5 मिनट में डाला था वही मैसेज आपके ब्रेन में दिन भर घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये विजुलाइज क्यों करना है, विजुलाइजेशन से क्या होता है? हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ इमोशंस की भाषा को समझता है और वो लॉजिक को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हैं और विजुलाइज करते हैं उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम कॉन्शियस माइंड का होता है, इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सच है और क्या झूठ है वो समझ नहीं पाता। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है, जो आप उससे कहेंगे वही बातें वो करेगा। मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने जमाने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते थे और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। पुराने जमाने के लोग 3-step formula में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। वो फॉर्मूला है आस्क बिलीव एंड रिसीव, यानी मांगो जो आपको मांगना है, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो, यानी ऐसा फील करो कि वो आपको मिल चुका है और आने वाले समय में वो चीज़ आपके पास रहेगी। आप सोचेंगे ये कहना कितना सिंपल है, मांगो विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा। हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया था जो प्लेन क्रैश होने पर भी बच गए। उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ किया था उस तरीके से इस 3-step formula में भी आपको एक थॉट और विजुअलाइजेशन पर फोकस करना है। ये चीज़ एक दिन में नहीं होगी। जब तक आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो बात नहीं पहुंचा देते जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती। मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स, अब हम मेंटल हीलिंग के नई टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। एक औरत लॉस एंजलिस में रहती थी और वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वो मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रेयर की, मैं जहां भी हूं मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ मेरे साथ है, और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसी उस औरत की बॉडी थी वो उसके विचारों का रिफ्लेक्शन था। उस औरत ने बोला, मुझे पता है अगर मैं अपने मन के विचारों को बदल दूँ तो मेरी सेहत भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्ते बाद वो औरत ठीक हो गई, और ऐसी ठीक हुई मानो उसे कोई बीमारी कभी थी ही नहीं। आप अगर अपनी माँ को भगवान मानते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपकी माँ भगवान है, जो आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर सकती हैं। अपनी माँ के पास हम कंप्लीट महसूस करते हैं, और आप भी इसी तरह आपके बिलीव्स बना सकते हैं। आपने ऑरा क्लीनिंग के बारे में सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो इसको ध्यान से समझिए। ऑरा क्लीनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकाला जाता है सिर्फ प्रेयर करके और हाथों को पूरी बॉडी पर घुमाकर। ऑरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और सभी क्लाइंट्स के पेन को एक्यूप्रेशर की मदद से और मॉडर्न टेक्निक से आपको ठीक कर देते हैं। प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग, प्रैक्टिकल टेक्निक जो मेंटल हीलिंग में हेल्प करती है, पासिंग ओवर टेक्निक। अगर हम अपनी इच्छाओं को कॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट कर लें जो कि लॉजिकली पॉसिबल है, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपकी रिक्वेस्ट सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है, और जितना आप कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हैं
जैसे कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, या फिर जो भी आप चाहते हैं, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का ढक्कन खोल देता है और वो इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली चली जाती है और आप उस तरीके से एक्ट करने लगते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक। सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना है और फिर जैसे हम किसी भी चीज़ को अपनी आंखों से देखते हैं, उसी तरह आपको अपनी आंखों को बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल को देखना है, एकदम क्लियर और एग्जैक्ट। हमको अपने माइंड में सेम देखना है। यहाँ हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। निकोला टेस्ला सबसे पहले किसी भी नए इन्वेंशन का अपने माइंड में पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वो अपनी इमेजिनेशन को 3D रोटेट करके उसकी डिटेल्स देखते थे। उसी तरह आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। मेंटल मूवी मेथड। पुराने लोग कहते हैं अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी एक पिक्चर में 1000 वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की ताकत होती है। जिस तरह आप एक्ट करेंगे उसी तरह आप बन जाएंगे। मेंटल मूवी मेथड सबसे ज्यादा सेलिंग बिजनेस में यूज होता है। चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। हमें अपने ही मन में सबसे पहले खुद को सेटिस्फाई करना है और सोचना है आपने जो प्रॉपर्टी का प्राइस रखा है वही सबसे अच्छा प्राइस है बायर के लिए। और ये करने के बाद आपका मन शांत करें और थोड़ी देर रिलैक्स करें, सभी परेशानियों को जाने दें और स्लीपी स्टेट में खुद को लेकर आएं। यानी आपको नींद की अवस्था में आ जाना है और स्लीपी स्टेट आपके सभी मेंटल लिमिटेशंस को कम कर देगा। अब आप प्रॉपर्टी के चेक को विजुलाइज करें और फील करें कि वो चेक आपके हाथों में है। आप अपने आप में खुश महसूस करें और ऐसा फील करें कि आपको पैसे मिल चुके हैं। और अभी आप चेक के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो आदमी अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजार होता है उसे अपनी ज़िंदगी में उससे कई ज़्यादा मिलता है, और जो आदमी शुक्रगुजार नहीं होता उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाता है। अब आप थैंक्स कहकर यूनिवर्स पर इसे छोड़ दीजिए और रात भर जो आपने विजुलाइज किया होगा वो आपके सबकॉन्शियस पार्ट में रिवाइज होता रहेगा। द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज लाइफ वर्ल्ड। हम जो लाइफ जीते हैं वो सिर्फ 10% है, बाकी 90% लाइफ के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। हमने ये बहुत बार रियलाइज़ किया होगा कि हम अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहते हैं और हमारा फोकस बस हमारे इनर वर्ल्ड पर होता है। तो क्या आपने आउटर वर्ल्ड की लाइफ को जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने ही दिमाग में फंस कर रह जाते हैं और कहते हैं कि मेरी लाइफ ही खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका फोकस इनर वर्ल्ड पर होगा तो आप इनर फीलिंग्स को महसूस करते हैं, और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पर होता है तब आप आउटर वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पाएंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। एक बड़े आदमी को टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस था और उसने इस बीमारी को सिर्फ एक अफर्मेशन के साथ ठीक कर दिया। वो है, मैं परफेक्ट, ताकतवर, केयरिंग, खुश और अपने आप में कंप्लीट हूँ। इस आदमी के लिए ये अफर्मेशन बहुत ही पावरफुल साबित हुई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों, अभी इस किताब के बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। वीडियो को बीच में बिना छोड़े एंड तक देखें। हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वॉन्ट। हमें जो लाइफ में चाहिए वो कैसे पाएं? इमेजिन करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं। आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं। आपके इस डिसीजन से ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो चुका है। क्या आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि कहां जाना है। राइटर बताते हैं हमें अपनी विल पावर नहीं, हमें अपनी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए। आपको अपने गोल का एंड विजुलाइज करना है, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। और जैसे ही आप विजुलाइज करते हैं तो आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप करके देखिए। बस ये ध्यान रखिए कि आप जो इमेजिन कर रहे हैं उसे डेली कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि डिसिप्लिन से आप कंटिन्यूसली एक्शंस लेते हैं। बाइबल बताती है जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को सही यूज करना सीख गए तो कुछ भी पा सकते हैं। हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूँ, आई एम द richest पर्सन इन द वर्ल्ड। आप जब ये अफर्मेशन बोलते हैं तब आपका फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं, और ये अफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज बनाता है। इसी से आपको नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों आपके अफर्मेशन फेल होते हैं। ऑथर कहते हैं जब लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूँ तो ऐसा लगता है वो खुद से झूठ बोल रहे हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप डेली खुद को ये कहें, मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूँ और दिन ब दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूँ। इस अफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं।
आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीजों पर रखेंगे, उतना आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें मल्टीप्लाइड होकर आती रहेंगी। आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रह सकें और सभी सुविधाओं का अनुभव कर सकें। हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया होता है, बेटा पैसों के लिए मर्डर हो जाते हैं, पैसा बुराई की जड़ है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इसे यूज करते हैं या क्राइम करने के लिए। आप पैसों को बुरा ना समझें। आप सोचिए, क्या आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं? सब कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक औरत है जो इलेक्ट्रिसिटी से खाना पकाती है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है। और एक इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक एम्प्लॉई समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है, जिसकी वजह से उनको एक्चुअल वेल्थ कभी नहीं मिल पाती। योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना आपको सच, शांति और प्यार से भरी जिंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज उन सभी चीजों का शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास हैं। आपके पास आपकी दो आंखें हैं, आपके पास भगवान ने दो पैर दिए हैं। कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। सोचो आप कितने लकी हैं। जिंदगी को पूरा जिंदा दिली से जीना चाहिए और आप ये सबकॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर कर सकते हैं। यहाँ उधर ने 3 स्टेप बताए हैं जिससे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, आप वो काम करें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को सक्सेसफुल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं, तो ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान या कोई सक्सेसफुल आदमी सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर उन्हें उस काम के लिए पैसे ना भी मिले, तो भी वो उस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। सेकेंड स्टेप, आपको किसी एक फील्ड में मास्टरी करनी है और वो एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों की जरूरत को पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर ना बन जाएं, तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप काम कर रहे हैं, उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस को ही ना देखें। आप सेल्फिश बनकर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको लोगों को भी सक्सेसफुल बनाना होगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। आपकी सक्सेस इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। ऑथर एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया, जिसका नाम टॉड था, और उसने मुझे पूछा कि मैं अगर कोई काम करने की कोशिश करूं, तो मैं सभी में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टूपिड हूं। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। ऑथर ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो उस बच्चे में गलत थी, और वो था उसका एटीट्यूड। वो खुद को सबसे कम समझता था और इसलिए उसे लगने लगा सब बच्चे उससे होशियार हैं। ऑथर ने उस बच्चे को सिखाया सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छा बन सकते हैं। ऑथर ने उस बच्चे को एक अफर्मेशन बताई, जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अफर्म करनी थी और बार बार दोहराना था। वो अफर्मेशन थी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अनोखी शक्तियां हैं और मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी मेमोरी का स्टोर हाउस है। मैं जो भी पढ़ता हूँ और सुनता हूँ, मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है। अगर मैं चाहूँ तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे एग्जाम्स के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे टीचर्स बहुत पसंद करते हैं और सभी स्टूडेंट मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों बाद ऑथर को उस बच्चे का ईमेल आया, जिसमें लिखा था, थैंक यू सो मच डॉक्टर जोसेफ मर्फी, अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूँ और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। साइंटिस्ट सबकॉन्शियस माइंड को यूज कैसे करते हैं? हम सब ने केमिस्ट्री में ये तो पढ़ा ही होगा कि बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर क्या आपको पता है बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ था? एक केमिस्ट थे फ्रेडरिच, जो बहुत टाइम से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आया। उन्हें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था, तो उन्होंने उनका मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना शुरू कर दिया कि उन्हें बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब वो बस से सफर कर रहे थे, तो उन्हें एक सिंबल दिखा जो एक स्नेक का था, और वो स्नेक खुद की पूंछ को ही खा रहा था। तो फिर उन्हें समझ आया कि अगर हम केमिकल बॉन्ड में भी ऐसा साइक्लिक बॉन्ड बनाएं, तो बेंजीन रिंग बन जाएगा। उसके बाद बेंजीन रिंग की डिस्कवरी हुई।
इससे आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए आइडियाज, प्लान, हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस जो चाहे वो दे सकता है। योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। हम एक दिन में 8 घंटों की नींद लेते हैं, जो हमारी 1/3 लाइफ के बराबर होता है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है, पर फिर भी सबकॉन्शियस माइंड और उसके टारगेटेड ऑर्गन्स रात भर काम करते हैं। रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड उस समय कोई भी रोक टोक नहीं करता। सुबह से लेकर रात तक आपका कॉन्शियस माइंड रोज के कामों में लगा रहता है, और एक सर्वे के हिसाब से हम एक दिन में 60,000 अलग अलग विचारों को सोचते हैं, और यही बहुत सारे इमोशंस को पैदा करता है। जब आप प्रेयर करते हैं तो आप अपने ग्रेटर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हैं, और यही आप सोते समय करते हैं, इसलिए प्रेयर एक स्लीप की तरह होती है, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। हमें ये बात याद रखनी है कि हमारी रोज की हैबिचुअल थिंकिंग हमारा फ्यूचर बना रही है, और इसलिए हमें पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव कोट्स को पढ़ना चाहिए। इस हैबिचुअल थिंकिंग के न्यूरल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में तैयार होना शुरू हो जाएंगे, और आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने लगेंगे। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम अपनी लाइफ में अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी कोई प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी प्रॉब्लम को समझे और आप उसे मिलकर सॉल्व करें? आजकल के ज़माने में ब्रेकअप और पैचअप करना ऐसा हो गया है जैसे हम रोज़ कपड़े पहनते हैं और उतार कर फेंक देते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए, तभी आप अपने ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और जैसे ही आपको ये क्लैरिटी मिले, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करें। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। हम अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में शेयर किया था, जो अपने दिमाग के अंदर की और बाहर की दुनिया होती है। ये फॉर्मूला आपकी लाइफ में खुशियां भर देगा। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स पर होगा, तब तक जो आपके ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा फेस ब्यूटिफुल नहीं है, और यही बात सोच सोच कर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ खराब होती है। जब आपका फोकस अच्छी चीज़ों पर होगा तब आप खुश रहेंगे, और जब आपका फोकस ऐसी चीज़ों पर रहेगा जो आपको दुखी कर देती हैं, तो आपको बुरा महसूस होगा। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हारमोनियस ह्यूमन रिलेशंस। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव होता है, और इसलिए नेगेटिव बातें आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, तो आप भी लोगों के बारे में उसी तरह सोचना शुरू कर दें जिस तरह आप खुद के लिए सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बारे में लोग अच्छा फील करें, तो आप उसी ढंग से उन्हें ट्रीट करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले, तो सबसे पहले आप लोगों की इज्जत करें, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से बर्ताव करें, तो आप भी उसी तरह उनके साथ बर्ताव करें। ऑथर बताते हैं कि एक आदमी था जो रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ता था, और रोज उसकी नज़र वही नेगेटिव हेडलाइंस पर जाती, और वो सुबह सुबह बहुत बुरा महसूस करना शुरू कर देता। कुछ दिनों बाद उस आदमी की हेल्थ खराब हो गई, और डॉक्टर ने कहा, ये सब तुम्हारे नेगेटिव सोचने का नतीजा है, इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव न्यूज़ या बातें नहीं पढ़नी चाहिए। सिगमंड फ्रेड, द फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस, इन्होंने कहा, जब तक आपके पास प्यार करने की काबिलियत नहीं है, तब तक आप बीमार और मरते ही रहेंगे। लव मतलब प्यार जिसमें होता है एक दूसरे की बात को अच्छे से समझना, एक दूसरे पर विश्वास करना और रिस्पेक्ट देना। जितना आप प्यार बांटेंगे, उससे कई ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा भी हमें यही बताता है, जैसा आप बाहरी दुनिया में दोगे उसी तरह आपके साथ भी होगा। हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। अगर आपको अपनी लाइफ सुख शांति से जीनी है, तो आपको अपने हीटर्स को माफ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आपके नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, और आपको शांति का अनुभव होता है। इसलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। एक इंसान था जॉन, वो रोज अपनी जॉब पर जाता था, और वो सोचता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर एक बार उसकी कंपनी में गलती से किसी ने उसे धक्का दे दिया, और एक दूसरे आदमी ने गलती से जॉन पर कॉफी गिरा दी। तभी से जॉन अपने मन में दूसरों की नेगेटिव इमेज बनाने लगा। उसका ऐसा सोचना उसकी सेहत को खराब कर रहा था। वो अंदर ही अंदर बुरा महसूस करके उदास होता था। ये बस उसकी सोच का नतीजा था कि उसके साथी भी उससे बात नहीं करते थे। पर अगर उसने ये सोचा होता कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, उस आदमी का ध्यान नहीं गया होगा इसलिए कॉफी गिर गई,
तो इस तरह से लोगों को माफ करना आपको खुशी और शांति देता है। किसी भी बीमार इंसान के लिए लोगों को माफ करना दवाई की तरह काम करता है। आप सोचेंगे कि किसको माफ करना है। ऑथर कहते हैं, सबसे पहले खुद को माफ कीजिए। हम अपने ही मन में खुद की नेगेटिव इमेज बनाते हैं और हम उस नेगेटिव इमेज से बुरा महसूस करते हैं। आप लोगों को माफ करने के लिए अफर्मेशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर कहें, मैं शांत मन से और अच्छे मन से सबको माफ करता हूं और नेक्स्ट टाइम मैं उसके साथ अच्छे से बर्ताव करूंगा। जिसके साथ मैं अच्छे से बर्ताव करता हूं, वो मेरे साथ भी अच्छे से बर्ताव करता है। मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूं। यह अफर्मेशन कहते ही आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको शांति मिलेगी। हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारे मेंटल ब्लॉक्स यानी लिमिटेशंस को हटाता है। अगर हम अपनी नई हैबिट्स को बनाना और पुरानी हैबिट्स को छोड़ना सीख गए तो हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि हैबिट बनती कैसे है और हम उसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको आपकी बुरी आदत को छोड़ना है तो आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है क्यू रूटीन रिवॉर्ड। क्यू का मतलब होता है किसी भी हैबिट का ट्रिगर। इस ट्रिगर से आप उस काम को करते हैं जिसकी आपको आदत है। रूटीन वो होता है जो आपको ट्रिगर मिलते ही काम करता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी है जो सिगरेट पीता है तो उसे सबसे पहले ट्रिगर मिलेगा कि उसे अब सिगरेट पीनी है। ट्रिगर मिलता है किसी भी स्पेसिफिक जगह और जब आप अकेले होते हैं तब या जब आप दोस्तों के साथ होते हैं। तो रूटीन होता है जब वो आदमी सिगरेट पीता है और उसके बाद आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो होता है जो सिगरेट पीने के बाद उस आदमी को मिला। निकोटिन का डोज उस आदमी के लिए रिवॉर्ड है जो सुकून पहुंचाता है और थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करवाता है। हमें इस पूरी सिचुएशन से बचना होगा और माइंड को डाइवर्ट करना होगा। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। हम किसी भी डर को सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कैसे दूर कर सकते हैं। कई बार हमें किसी न किसी चीज का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है, किसी को डर होता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर ना चला जाए। तो चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और वो खेलते खेलते अचानक गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वो छोटा बच्चा पानी से बहुत डरता था। तब उस छोटे बच्चे की मम्मी ने उसे ऑथर से मिलवाया। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने मन को शांत करके एक मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग करो, यानी कि गहरी सांस लो और इमेजिन करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो। वो बच्चा इमेजिनेशन करते समय थोड़ा डर रहा था, बट दो तीन बार करने से वो बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगा। और फिर उस बच्चे ने फील किया, ये पानी बहुत ठंडा है और उसकी बॉडी पानी में बहुत हल्की हो गई है। और इस तरह उस छोटे बच्चे का डर निकल गया। सिर्फ 2 महीने में उसने स्विमिंग सीख ली। इस तरह आप भी किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। हाउ टू स्टे इन स्पिरिट फॉरएवर। आप सोचेंगे कि आप अपनी लाइफ में हमेशा फुल स्पिरिट में कैसे रह सकते हैं। हमारा शरीर टाइम के साथ साथ बूढ़ा होता है, पर आपकी आत्मा नहीं, और आपकी आत्मा ही सबकॉन्शियस माइंड है। सो आप डेली ये अफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं, मैं दिन ब दिन जवान होता जा रहा हूँ और मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा फुर्ती आ रही है। इस अफर्मेशन को दिन में कई बार आप डेली रिपीट कीजिए और सबकॉन्शियस माइंड का मैजिक आपको और जवान बना देगा। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और जानकारी मिली होगी और आपको ये भी समझ आया होगा कि आपको सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी को बदलना है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है।